मेरे प्यारे दोस्तों, जैकलिन फर्नांडिस का और एक कांड इस वक्त निकल कर सामने आ चुका है। और एक फोटो, और वो भी 5-स्टार होटल रूम की, फिर से एक बार वायरल हो चुकी है। आप सभी लोगों को मैंने अभी 2 दिनों पहले ही जैकलिन फर्नांडिस और कॉनमैन सुकेश की यह फोटो तो दिखाई ही थी, जिस फोटो को देखने के बाद ये तो पूरे तरीके से कंफर्म हो चुका था कि इन दोनों के बीच कितने करीब के रिलेशन है। लेकिन अभी और एक तस्वीर वायरल हुई है, और ये रही वो फोटो। इस पिक्चर के बाहर आ जाने के बाद माहौल फिर से एक बार गर्मा चुका है, और जैकलिन फर्नांडिस का यह झूठ कि मैं इस कॉनमैन सुकेश को पर्सनली जानती ही नहीं हूं और मैंने उससे कभी भी कोई मुलाकात करी ही नहीं है, इस झूठ का अब पर्दाफाश पूरे तरीके से हो चुका है। यहां जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि यह कॉनमैन आज से पहले तक तिहाड़ जेल में कैद था, और इसके ऊपर 200 करोड़ रुपए की उगाही करने का भी आरोप है। और तो और एजेंसी को यह भी शक है कि हो सकता है कि इस पूरे प्रकरण में जैकलिन फर्नांडिस का भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हाथ जरूर हो सकता है। और ये शक इस फोटो के बाहर आने के बाद इसलिए भी बढ़ चुका है क्योंकि जैकलिन फर्नांडिस ने एजेंसीज के सामने बैठ सफेद झूठ बोला था कि मैं इस सुकेश से पर्सनली कभी नहीं मिली हूं। लेकिन ये तस्वीरें अब आप लोग भी समझ सकते हैं कि कोई दूसरी ही कहानी बयान कर रही है। तो ये थी अपडेट जो कि मैंने आप सभी लोगों को इस वक्त बताई है। इस पूरे मुद्दे पर आपके जो भी विचार होंगे, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो जुड़ करके हमारी आवाज़ और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ। मेरे प्यारे